अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड टाइम फूड डिशेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिनी शोरमा पॉकेट की रेसिपी। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी रेसिपी है ये, और सबकी फेवरेट चिकन मिनी शोरमा पॉकेट। आपके घर में इफ्तार पार्टी हो या कोई दावत हो तो ये मिनी शोरमा बनाएं, और ये बच्चों का तो एकदम फेवरेट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पिटा ब्रेड की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो हमने यहाँ पर नीम गर्म पानी ले लिया है, और इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच ड्राई ईस्ट, तो ये खमीर होता है। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे शक्कर, और एक चम्मच ही हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर आपको नीम गर्म पानी ही लेना है, आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी मत ले लेना, और ना ही इसे नॉर्मल पानी में बनाना है। इसे हमें बहुत ही अच्छे से विस्क कर लेना है कि ये जो खमीर है वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, और इसको हम बंद करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो से कम लिया है मैदा, तो इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से हमें मिक्स करना है, और अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हमें नीम गर्म पानी ही यूज़ करना है। यहाँ पर ठंडा पानी बिल्कुल मत इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर देखिए, ये डो थोड़ा सा नरम सा ही रहेगा, सॉफ्ट सा डो बनेगा यहाँ पर हमारा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है, और अब मैं इसमें ऊपर से डालूँगी थोड़ा सा घी। घी डालकर इसे एक बार मैं फिर अच्छे से गूंद लूँगी। ये बैटर बहुत ही चिपचिपा सा हो रहा है, तो इसे हम घी डालकर इस तरह से गूंद लेंगे, तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही चिकना सा डो बन गया है हमारा। तो अब हम इसे रख देंगे रेस्ट पर। तो यहाँ पर मैं इसे क्लिंग रैप से रैप कर दूंगी, और हम इसे किसी गर्म जगह पर रख देंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए। तो 3 घंटे लगेंगे इसे राइज होने में। तब तक हम अपनी तैयारी कर लेते हैं फिलिंग्स की। तो यहाँ पर मैंने पैन में एक चम्मच तेल गरम कर लिया था, उसमें मैंने आधा चम्मच अदरक का पेस्ट और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, 1 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, बस यहाँ तक ही हम इसे भूनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लहसुन और अदरक का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। तो चिकन को मैंने छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है, और उसे अच्छे से मैंने धोकर उसका पानी निथार लिया था। ये आधा किलो चिकन है। तो यहाँ पर हम चिकन को इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो देखिए, चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर। 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मिर्च को आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप मिर्च और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। तो दही हम डालेंगे तो हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा बनेगा। अगर दही नहीं है तो आप यहाँ पर 1 लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अभी हमें चिकन को गलाना है। तो यहाँ पर मैं पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, दही का पानी और चिकन में से जो पानी निकला है उसी में ये गल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने इसे पका लिया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 10 मिनट बाद ढक्कन खोला है, तो ये इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, और हमारा चिकन भी अच्छे से गल चुका है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 शिमला मिर्ची को, इस तरह से मैंने लंबाई में कट कर लिया था, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और 1 टमाटर को भी लंबाई में कट करके हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर आप इसे छोटे पीसेस में भी कट करके डाल सकते हैं। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक्कन बंद कर दूंगी कि हमारी शिमला मिर्ची और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, तो एक बार मैं फिर से चला लूँगी इसे। तो यहाँ पर देखिए, हमारी शिमला मिर्ची और टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चीज़ क्यूब को मैंने ग्रेट कर लिया था, फाइनली ग्रेट किया था मैंने इसे। चीज़ डालने के बाद हम इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर आप इसमें चीज़ डालते हैं तो इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा ये। तो आप चीज़ इसमें ऐड करें और एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हमें स्मोकी फ्लेवर देना है इसे। तो यहाँ पर मैंने बीच में थोड़ी सी जगह बना ली है और यहाँ पर मैं रखूँगी एक छोटी सी प्याली। तो ये मैंने यहाँ पर स्टील की प्याली ली है, तो यहाँ पर मैं बीच में रख दूँगी और इसमें मैं रख दूँगी कोयला, जिसे मैंने पहले ही गर्म कर लिया था अच्छे से। इस पर हम डालेंगे एक चम्मच घी। तो यहाँ पर आप तेल भी डाल सकते हैं। और देखिए इसमें से जब धुआं निकल रहा है तो हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसी तरह से छोड़ देंगे और ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हम अपना मैदा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 घंटे के लिए रख दिया था इसे, तो ये अच्छे से राइज हो चुका है। तो अब हम इसकी एयर निकाल लेंगे और इसे एक बार मैं फिर से गूंद लूँगी। तो ये परफेक्ट डो बना था हमारा। हमें पीटा ब्रेड के लिए ऐसा ही डो चाहिए। एक बार अच्छे से हम इसे गूंद लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सा डो बन गया है हमारा ये। अब हम इसे बोर्ड पर ले लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सूखा आटा डस्ट करूँगी और ये डो मैं इस पर ले लूँगी बोर्ड पर और इसे अच्छे से मैं थोड़ा सा मसल लूँगी। अब मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर 2 इक्वल हिस्से करेंगे हम और इसका बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। यहाँ पर मैं इसके 2 पेड़े बनाऊँगी और एक पेड़े को मैं यहाँ पर अलग रख दूँगी और उसे ढक दूँगी। इस पर पपड़ी जम सकती है, तो इसे मैं एक पेड़े को हटा दूँगी और एक पेड़ा ले लूँगी बोर्ड पर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करूँगी और इसे थोड़ा सा हम दबा के इस तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमें बेलना है, बहुत ही ईजीली बेल जाएगा ये, बिल्कुल भी चिपकेगा भी नहीं ये। तो हम इसे बेल लेंगे, थोड़ा सा मोटा हमें बेलना है ये। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ, इस तरह की थिकनेस इसकी होनी चाहिए। इसे बहुत पतला मत बेल लेना। अब मैं इसे राउंड शेप में कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने गिलास की मदद से राउंड शेप में इसे कट कर लिया है। तो अच्छे से पुश करेंगे हम और इसे दबा देंगे तो इसका शेप बन जाएगा इस पर। और इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 राउंड कट कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे 4 राउंड बन गए हैं और मैं बाकी का बचा हुआ आटा निकाल लूँगी और इसे हम साइड में रख देंगे। इसे भी हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। अब मैं ये राउंड को उठा लूँगी और एक प्लेट में रख लूँगी। और एक प्लेट में रखने के बाद हम इसे एक टॉवल से या एक रुमाल से कवर कर देंगे, वरना इस पर पपड़ी जम जाएगी। अब ये जो साइड में से बचा हुआ आटा निकला था हमारा, उसे भी मैंने इस तरह से उसी तरह से सेम बेल लिया है और राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इसे कुछ देर के लिए मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह से ढक कर रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया था, तो पहले हम तवे को अच्छा गर्म कर लेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे। यहाँ पर एक बार में मैं 6 जो हमारे पीटा ब्रेड है वो रखूँगी यहाँ पर और 6 बाद में करूँगी मैं। तो यहाँ पर हमें कुछ सेकेंड्स के लिए इसी तरह से इसे छोड़ देना है। ये फूलने लगेगा थोड़ा सा खुद ही। तो जब ये फूलने लगेगा तो हम इसकी साइड्स देखेंगे नीचे से। अगर ये अच्छे से हो चुका है गोल्डन तो हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड को भी हम अच्छा सा कलर आने देंगे। तो देखिए हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, लो फ्लेम पर हमें इस तरह से सेक लेना है कि इसमें हल्का सा कलर आ जाए इस तरह से। यहाँ पर हमारा पीटा ब्रेड रेडी है। तो अब हम यहाँ पर सारे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरह से मैं दूसरे भी बना लूँगी। तो यहाँ पर पहले हमें मुकम्मल तौर पर इसे ठंडा कर लेना है और फिर हम इसे कट करेंगे। तो हम इसे बीच में से इस तरह से कट करेंगे कि हाफ तक हम इसे कट कर लेंगे। पहले हमें पूरा नहीं कट करना है, हाफ तक इसमें कट लगाना है और फिर इस तरह से हम खोल लेंगे और बीच में से इसे हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हम इसे गहराई में कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पॉकेट तैयार है। इस तरह से हम सारे कट कर लेंगे पीटा ब्रेड को। अब यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी ले ली है और उसमें मैं ऐड करूँगी मेयोनीज। यहाँ पर हम पत्ता गोभी और मेयोनीज को मिलाकर एक सलाद सा तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे।
तो आप पत्ता गोभी इस तरह से ज़रूर डालिए इसमें, तो पत्ता गोभी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर हमारी फिलिंग्स रेडी है और यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ और शेज़वान चटनी को मिलाकर इस तरह से पाइपिंग बैग में भर लिया था और उसे मैं इस तरह से पिटा ब्रेड में अंदर की साइड अप्लाई करूँगी। और हम इस तरह से लगाने के बाद इसे बीच में से इस तरह से जोड़ देंगे तो ये दोनों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। अब मैं इस पर रखूँगी, इसके अंदर मैं रखूँगी सलाद के पत्ते, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं ये। और मैं इसमें डालूँगी अपना बंद गोभी का सलाद, अंदर की साइड हम इस सलाद को डाल देंगे और फिर हम ऊपर से रखेंगे अपनी चिकन की फिलिंग्स को। तो यहाँ पर हम अच्छा सा भर देंगे ऊपर तक, चिकन को खूब सारा डाल देंगे हम, ज़्यादा डालेंगे तो बच्चों को खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर हमारा चिकन पॉकेट शवरमा तैयार है, तो देखिए आप बहुत ही मज़े का है ये। इस तरह से हम सारे पॉकेट्स को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम अपना सॉस अप्लाई करेंगे और इस तरह से हम इसे मिला देंगे तो ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा दोनों साइड पर। और इस पर हम रखेंगे सलाद के पत्ते और फिर उसमें हम डालेंगे हमारा सलाद जो पत्ता गोभी से हमने बनाया है, तो अंदर की साइड हम उसे डालेंगे और फिर ऊपर से हम इसमें चिकन की फिलिंग्स को भर देंगे। तो यहाँ पर जितना चिकन आ सकता है आप इसमें भर दें। तो देखिए ये रेडी है। इस तरह से आप सारे चिकन पॉकेट को बना लें। तो देखिए हमारा सारा चिकन पॉकेट तैयार है। तो ये लग रहा है ना बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही एपिटाइजिंग। ये मिनी चिकन शोरमा आप इफ्तार में ज़रूर बनाएं, सबको बेहद पसंद आएगा और बच्चों को तो बेहद पसंद आएगा, ये बच्चों का तो ये फेवरेट है। तो आप बाज़ार से मत लाना, बाज़ार से भी अच्छा आप इस तरह से घर में बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, बस इसमें हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। ब्रेड की तैयारी के लिए हमें थोड़ा वक्त लगता है, मगर हम घर में बहुत ही अच्छा फ्रेश बना सकते हैं पिटा ब्रेड। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं घर में। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आपकी समझ भी आई होगी अच्छे से। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।